सत्संग जी प्यार से बोलिए। धन निरंकार जी, आप सभी आनंदित रहें, खुशहाल रहें, भक्ति भरा जीवन व्यतीत करते रहें, इस स्वभाव के साथ दास विश्वंभर मिश्रा। आज का विषय है आस्था। आस्था मन का, जीवन का, हृदय का एक समर्पित भाव है। जब मन समर्पित हो जाता है तो विश्वास केंद्रित होता है। विश्वास तभी केंद्रित होता है जब मन एकाग्र हो। विश्वास तभी मजबूत होता है जब मन को ये यकीन हो जाए कि इनके द्वारा ही हमारा कल्याण होना है। आस्था तभी प्रबल होती है जब ये स्वीकार कर लिया जाए कि मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ भी है सो तू ही तू है। आस्था तभी रंग लाती है जब ये पता चल जाता है कि सारे रंग तुझसे हैं और तू जैसे रंगेगा वैसे ही हम रंग जाएंगे। सत्संगत आस्था का जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इंसान खुद पे आस्था रखता है, खुद पे विश्वास रखता है तो इंसान आगे बढ़ता है। और खुद के ऊपर विश्वास करने वाले ही हमेशा विजयी साबित होते हैं। दुख से, पीड़ाओं से, कष्ट से मुक्ति का एकमात्र साधन है खुद पे विश्वास। और सत्संगत खुद पे विश्वास तो तभी हो सकता है जब इस बात का एहसास हो कि परमात्मा हमारे साथ है। जो कुछ कर रहा है परमात्मा की इच्छा से हो रहा है, परमात्मा जो कुछ भी करेगा अच्छा करेगा, ये विश्वास, ये यकीदा हो जाए तो सत्संगत असंभव भी संभव सा प्रतीत होने लगता है। दुख भी सुख में अनुभव प्रदान करता है। और सत्संगत अक्सर आपने देखा है कि जिसका विश्वास कमजोर है वो सत्संगत कहाँ कहाँ ठोकरे खा रहे हैं, कहाँ कहाँ मिन्नतें कर रहे हैं, कहाँ कहाँ हाथ फैला रहे हैं, क्योंकि उनका विश्वास कमजोर है। सत्संगत किसी कहानी में ये भी पढ़ने को मिला, एक इंसान दिन भर करीबन 200 गड्ढे खोदता रहा लेकिन उसे कहीं भी पानी ना मिला। चार चार पांच पांच फुट के गड्ढे खोदा और पानी ना मिला। किसी परिपक्व महात्मा ने बताया कि हे इंसान, अगर तू इसको निरंतर ये जो पांच पांच फुट के 20-20 गड्ढे तुमने इतने दिनों में खोद दिए, अगर एक में ही निरंतर काम करते रहते और ये विश्वास रखते कि पानी मिलेगा तो यहीं से मिलेगा तो शायद तुम्हें पानी प्राप्त हो सकता है। लेकिन इस तरह से दर दर ठोकरे खाने और इतने सारे गड्ढे खोदने से कभी पानी प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हिता चातक तुलसीदास। तुलसीदास जी भी समझाते हैं कि चातक पक्षी की तरह बनिए, क्योंकि चातक सिर्फ और सिर्फ स्वाति की बूंदे ही पीता है। भले ही प्यासा मर जाए लेकिन पिएगा तो चातक सिर्फ स्वाति बूंद का ही पानी पिएगा, क्योंकि उसी से उसकी प्यास बुझनी है। ठीक इसी तरह से जो विश्वास रखते हैं, जो आस्था रखते हैं, जो यकीन रखते हैं, वो कभी असफल नहीं होते। यकीन का पहाड़ों की तरह मजबूत होना, अडिग होना बहुत जरूरी है कि मैं जो कर रहा हूं मैं सही कर रहा हूं, जो परमात्मा करवा रहा है सही करवा रहा है। आओ सत्संगत, इन्हीं स्वभावों के साथ दास आपसे इजाजत चाहेगा। हमेशा आपका स्नेह बना रहता है, इस बात के लिए दातार कृपा करें।
हम सभी के जीवन में भक्ति भरा आनंद प्राप्त होता रहे। प्यारी सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी।